मैं किसी से नहीं डरता कहने वाली ममता बनर्जी की आंखों में आज सीबीआई का डर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से सीबीआई एक के बाद एक बड़ी कार्यवाही ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के उन नेताओं के ऊपर कर रही है जिनका नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन में आया था, तो उसके बाद ममता बनर्जी पहुँच गई हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट में जब चार नेताओं की 17 मई को गिरफ्तारी कर ली गई थी सीबीआई की तरफ से, तो ममता बनर्जी भागी भागी पहुंची थी इन्हीं चार नेताओं को बचाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर करने के लिए। पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने हल्फनामा दायर करने के लिए मना कर दिया था, तो अब उसी चीज को लेकर ममता बनर्जी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी किस कदर घबराई हुई है सीबीआई से, क्योंकि सीबीआई ने जिस तरीके से बड़े बड़े एक्शन लिए हैं और गिरफ्तारी भी कर ली गई थी ममता बनर्जी के उन चार नेताओं की जिनका नाम नारदा स्टिंग ऑपरेशन में शामिल था, जिन्होंने 2016 में घूस लेते हुए जो नेता पकड़े गए थे विधानसभा चुनाव से पहले। एक तरफ अगर वेस्ट बंगाल की जनता की बात करें जो कि त्राहिमाम कर रही है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के, रोहिंग्या बांग्लादेशी तमाम उन लोगों को शिकार बना रहे हैं जो ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते, और ममता बनर्जी का जो दर्द है वो सिर्फ झलक रहा है अपने नेताओं के लिए, क्योंकि वो सीबीआई की रडार पर हैं और हाईकोर्ट की तरफ से पहले ही अनुमति दी जा चुकी है सीबीआई के लिए कि सीबीआई अब पूरी तरीके से स्वतंत्र है इन सारे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए, ममता बनर्जी के नेताओं के ऊपर एक्शन लेने के लिए। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जनता के साथ हो रही हिंसा को लेकर एक बार भी नहीं सोचती है, पर जैसे ही नेताओं के साथ, अगर आप सभी को याद होगा कि 17 मई को जब इन चार नेताओं की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई थी, तो यही ममता बनर्जी हैं जो सीबीआई के दफ्तर के सामने जाकर बैठ गई थी और ये कह रही थी कि इन्हें छोड़ो और तमाम तरीके की चीजें हैं, और वही ममता बनर्जी के नेता और ममता बनर्जी के द्वारा सीबीआई के अफसरों को धमकी तक दी गई थी जान से मारने की, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ममता बनर्जी के नेताओं की गिरफ्तारी जो कर ली थी सीबीआई ने। अगर वहीं पर वेस्ट बंगाल की जनता की बात करें जो कि हर रोज ममता बनर्जी के गुंडों का शिकार हो रही है, लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है और जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के उन पेड़ों से लटकाया जा रहा है, जो मासूम जनता है उसके लिए लिस्ट भी बना दी गई है कि ये भाजपा के सपोर्टर हैं, इनको राशन मत दीजिए, वहीं अगर इनके काली करतूतों की बात आए तो नेताओं को बचाने के लिए ममता बनर्जी पहले हाईकोर्ट जाती हैं और हाईकोर्ट अगर नहीं सुनता है तो ममता बनर्जी सीधा अब रुक कर चुकी हैं अब सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को बचाने के लिए। एक और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बंगाल में हुई हिंसा को लेकर इतने दिनों से अगर ममता बनर्जी से सवाल पूछा जाता है तो ममता बनर्जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, और इसी को लेकर आप सभी से हमने इस मुद्दे को लेकर बात की थी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार से कह दिया है कि वो जाए वेस्ट बंगाल इन सारी चीजों की जांच करे और सीधी जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट को लाकर सौंपे। पर वहां पे सवाल एक बड़ा ये भी है, क्यों इंदिरा बनर्जी ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया, कौन सी वो वजह थी कि इंदिरा बनर्जी ने बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अपने हाथ पीछे कर लिए, उन्होंने कह दिया क्या ये ममता बनर्जी का डर है, क्योंकि इस तरीके के सवाल जनता की तरफ से लगातार उठ रहे हैं और लोगों की तरफ से कहना है कि सभी का भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है, जब भी देश में या फिर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है तो सभी को लगता है कि अगर हमें न्याय मिलेगा तो वो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, और आज ऐसा समय है ममता बनर्जी के भय से ही, क्योंकि अब जनता सवाल उठा रही है ममता बनर्जी को लेकर और लगातार सवाल कर रही है क्या इंदिरा बनर्जी हो या फिर अनिरुद्ध बसु ने भी क्यों अपने हाथ पीछे खींच लिए, क्यों उन्होंने कह दिया कि नारदा स्टिंग ऑपरेशन में जो जिस तरीके से ममता बनर्जी के नेताओं के नाम है और वो सुनवाई नहीं करेंगे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर कौन सा दबाव है, कौन सा डर है, ये जनता जानना चाहती है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर, जजों को लेकर, क्योंकि उनकी फैमिली, अनिरुद्ध बसु की बात करें या फिर इंदिरा बनर्जी की बात करें, ये दोनों ही वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और पहले हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इतना भय है ममता बनर्जी का कि वहाँ जो जज हैं वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये लगातार सवाल बने हुए हैं जनता की तरफ से, पता नहीं कब ममता बनर्जी की तरफ से इन सारी
चीज़ों को लेकर सफाई दी जाएगी और कहा जाएगा। अगर ममता बनर्जी से हम सफाई की उम्मीद करते हैं तो ये बेहद गलत है। जिस ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल में हो रहा दुराचार नहीं दिखता, उस ममता बनर्जी को जजों के ऊपर जो डर बिठाया गया है, जो ममता बनर्जी सीबीआई को डर दिखाने का प्रयास करती हैं, 17 मई को जिस तरीके की चीज़ें ममता बनर्जी के द्वारा की गई, शायद वो ममता बनर्जी ही ऐसे जजों को भी डरा सकती हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो ममता बनर्जी को लेकर उठ रहे हैं। और अब बात करते हैं जनाधार की, कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बार बार वोटों का रुख आखिरकार क्यों कर रही हैं, कौन सा डर है ममता बनर्जी को, चाहे तो फिर वो नंदीग्राम से हार हो, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में ममता बनर्जी के नेताओं की गिरफ्तारी हो, बल्कि इससे पहले अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी ममता बनर्जी को एक बार फटकार लग चुकी है नारदा स्टिंग ऑपरेशन को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि जो रवैया है ममता बनर्जी का वो ठीक नहीं है। जब नज़रबंद किया गया था ममता बनर्जी के 4 नेताओं को, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी थी। और उसके बाद हर एक छोटी चीज़ के लिए ममता बनर्जी बार बार कोर्टों का रुख कर रही हैं। नंदीग्राम से हार हो, अपने नेताओं को फंसते हुए देखना हो, और अगर बात आती है वहाँ पर हुई हिंसा की, लोगों के ऊपर हुए दुराचार की, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि कोई भी हिंसा नहीं हुई है, सिर्फ बीजेपी की तरफ से ये हमें बदनाम करने की साजिश खेली जा रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए कि अगर वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं हुई है तो ममता बनर्जी आखिरकार क्यों घबराई हुई हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के वेस्ट बंगाल जाने से। ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी छुपाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, ये जनता लगातार सवाल कर रही है ममता बनर्जी से। और एक सवाल उठता है आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर भी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही और सुप्रीम कोर्ट के जज ही इस तरीके से डरने लगे, क्या ये डर है या फिर दबाव बनाया जा रहा है? ये चीज़ें जल्द ही दिनों में आकर खुल जाएंगी। अगर हम इंदिरा बनर्जी की बात करें तो इंदिरा बनर्जी वही हैं जब ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई टैटू बना देता है तो उसके लिए ममता बनर्जी कहती हैं कि जिस व्यक्ति ने ममता बनर्जी का ये टैटू बनाया है, कार्टून बनाया है, उसे ममता बनर्जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वही इंदिरा बनर्जी आज ये कहती हैं कि बंगाल में हुई हिंसा को लेकर मैं अपने आप को सुनवाई से अलग कर रही हूँ। क्या ये दबाव है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? या फिर इंदिरा बनर्जी को उन अपने परिजनों को अपनी जान का खतरा है? क्योंकि इंदिरा बनर्जी भी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, वेस्ट बंगाल में अपने परिवार के साथ रहती हैं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो वेस्ट बंगाल के इस सारे कुशासन को लेकर उठाए जा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह तानाशाह हैं, पीएम नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, अगर दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की स्थिति देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है कि एक तरफ लोगों के साथ इस तरीके से दुराचार किया जा रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके के बयान आना कि वेस्ट बंगाल में हिंसा नहीं हुई है। अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो जज अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, जज बोलते हैं कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। राज्यपाल की तरफ से लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर ट्वीट किया जा रहा है, बार बार जानकारी दी जा रही है। जब भी राज्यपाल दौरा करने के लिए वेस्ट बंगाल में कहीं निकलते हैं वो हमेशा जानकारी देते हैं कि वेस्ट बंगाल में, और आज भी उन्होंने ट्वीट करके कहा 7 हफ्ते हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है इस हिंसा के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है कि एक सूबे का राज्यपाल जो बार बार एक मुख्यमंत्री से कहता है कि वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है, और उसके बावजूद भी जो मुख्यमंत्री है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर ममता बनर्जी को कुछ दिखाई देता है तो वो दर्द दिखाई देता है रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं का, अपने टीएमसी के उन गुंडों का जो इस तरीके से घटनाएं करते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा ही। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि जब 60 साल की बुजुर्ग एक औरत जिसका रेप कर दिया जाता है उसके पोते के सामने, और जब वो हाईकोर्ट जाती है तो उसके बाद भी ममता बनर्जी कहती हैं कि छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं वेस्ट बंगाल में हुई हैं और कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है, वेस्ट बंगाल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर ममता बनर्जी जो है वो ना जनाधार की तरफ देख रही है ना वेस्ट बंगाल की तरफ देख रही है, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई का डर है ममता बनर्जी को, क्योंकि सीबीआई एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है और शायद वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से बेशक ममता बनर्जी के नेताओं को अब अंतरिम जमानत मिल चुकी है, पर सीबीआई की तरफ से भी एक याचिका डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीबीआई
सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि ये जो मामला है नारदा स्टिंग ऑपरेशन का, ये ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि शायद कोई ना कोई दबाव बना सकती हैं ममता बनर्जी कोर्ट के ऊपर। तो शायद इसीलिए इन्हीं सारी चीज़ों के चलते सीबीआई की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी, और यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है जिसकी वजह से ममता बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी भी इस मामले को लेकर। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक यही याचिका नहीं है, इसके अलावा और भी याचिकाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में लगी गई हैं। कुछ याचिकाओं में ये कहा गया है कि एसआईटी की टीम गठित की जाए वेस्ट बंगाल की हिंसा को लेकर और जांच करे। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से फैसला लिया ही गया है, ममता बनर्जी को फटकार लगा दी गई है। कल एनएचआरसी की टीम को भेज दिया गया है वेस्ट बंगाल। तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं, तमाम ऐसी बड़ी चीजें हैं जो वेस्ट बंगाल की इस हिंसा से, नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस से निकल कर आएंगी, जिनसे ममता बनर्जी डरी हुई हैं और बार बार वो कोर्टों का रुख कर रही हैं। नंदीग्राम में हार को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं, जनता बार बार पूछ रही है कि कैसा ये रुख है, और दूसरी तरफ सीबीआई से अपने नेताओं को बचाने के लिए ममता बनर्जी इस कदर डरी हुई हैं। इस मामले में और भी अपडेट जैसे ही आएंगी हम आपको और भी ज़्यादा अपडेट इस न्यूज़ पर देंगे। और भी ज़्यादा खबरों के लिए बने रही है हमारे चैनल के साथ।